नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित पे। मैं हूं प्रभाष मिश्रा, आज आगे मैं फिर से एक नया वीडियो लेके, और यहां पे देखने को मिल रहा है यस बैंक में भयंकर तेजी देखने को मिल रही है। तो कारण क्या है, आगे के लेवल्स क्या होंगे, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा इंट्राडे की सीरीज शुरू करी है हम लोगों ने, तो आपको कैसी लग रही है प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल इंट्राडे की कॉल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और डीमैट अकाउंट खुलवाना है लिंक से, तो आपको पर्सनली हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे इंट्राडे की कॉल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो देखिएगा, आज स्टॉक जो यस बैंक का था 28 रुपए पे लाई कर रहा था, और देन सडनली 28 मिनट में यानी कि 28 मिनट में स्टॉक ने 25% के रिटर्न दे दिए। 25% के रिटर्न विद इन 25 मिनट्स मिल गए थे यहां पर। क्यों मिल गए थे, इसका कारण क्या हुआ, और SBI के स्टेक में क्यों गिरावट आई, तो ये देखने को आज क्यों मिला। तो यहां पे बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है किसको, SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अप्रूवल दे दिया है कि वो कंसोर्टियम बाय करे, स्टेक बाय करे यस बैंक में। यानी कहता है एक पर्टिकुलर कंसोर्टियम बनाए, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाए, कमेटी बनाए, और यस बैंक में कहते हैं खुद भी स्टेक बाय करे, और जो पूरा का पूरा यानी कि कंसोर्टियम होगा उसको लीड करने की जिम्मेदारी SBI की होगी। उसके जितने भी मेंबर होंगे उसको सेलेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, वो भी जिम्मेदारी किसकी होगी, SBI की होगी। तो जैसे ही स्टॉक की न्यूज आई मार्केट में, स्टॉक ने काफी तेजी से परफॉर्म करने लगा, और जितने भी SBI के जो SBI के लिए एक निगेटिव इम्पैक्ट की तरह लाया गया, तो स्टॉक चला गया था 270 पर। बट आगे की जो मेन बात है वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिएगा यहां पर SBI ने क्या करा है, स्टेक सेल यानी कि जो स्टेक अक्वायर करने के लिए, यानी कि स्टेक खरीदने की बात जो यस बैंक से कही है, वो एक केवल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। यानी कि समझिएगा बात को, कि जो अगर SBI क्या करती है, यस बैंक के शेयर्स, इक्विटी शेयर्स खरीदती है, तो वहां पे क्या देगा, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा। यहां पे एक्वायर नहीं कर रही है, स्टेक को एक्वायर नहीं करेगी। एक्वायर क्यों नहीं करेगी, क्योंकि एक बैंक दूसरे बैंक का जो स्टॉक होता है यानी कि होता है एक्विजिशन नहीं कर सकता। मतलब क्या होता है, एक बैंक रेगुलेटरी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दूसरे बैंक से क्या होता है एक्वायरमेंट नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए होते हैं। सेकेंड चीज क्या है, ये बात जो क्लैरिफिकेशन दिया है ये आपका कहता है फॉर्मर चीफ ऑफ IBA ने दिया है। उन्होंने बताया है कि बेसिकली कहता है ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के समय, क्योंकि आपको बताया गया था लास्ट न्यूज में, उन्होंने बताया था आपको कि या तो अगर यस बैंक को अगर आने वाले फंड रेजिंग के दिन तक क्या होते हैं, अगर उन्हें क्या मिलते नहीं है, इन्वेस्टर्स नहीं मिलते हैं, तो या तो क्या करेगा, किसी बैंक में से मर्ज करने की बात करी जाएगी, या तो किसी पब्लिक सेक्टर बैंक से इसकी स्टेक एसेट्स को खरीदने के लिए बात कही जाएगी, जब तक इनकी फर्दर फंड रेजिंग ना हो जाए। तो इसको बचाने की पूरी कोशिश करी जाएगी, क्योंकि अगर यस बैंक फॉल होता है तो इसका इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ही खराब इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां पे ये न्यूज आते हुए दिख रही है, बट यहां पर अभी तक किसी भी तरीके का जल्दी से क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, यानी कि पूरा क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। और इस पे यस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव और SBI के रिप्रेजेंटेटिव ने भी कोई भी कमेंट नहीं करा है। ये न्यूज आप कहां पे देख सकते हैं, तो मनी कंट्रोल पे देख सकते हैं। स्टॉक में 25-27% की तेजी देखने को मिली जब तक कि मैं वीडियो बना रहा हूं, और ये अगर ऐसा होता है तो ये यस बैंक के लिए समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होगी। तो बहुत सारे लोग जो यस बैंक में होल्ड करके बैठे हैं, काफी पैनिक की सिचुएशन में बैठे हुए थे, तो आने वाला समय उनके लिए काफी अच्छा हो सकता है। और यहां पे आपको क्लैरिफिकेशन का वेट करना है, और क्लैरिफिकेशन जैसे ही आएगा तो स्टॉक में काफी तेजी देखने को मिलेगी। तो अब काफी अच्छी बात आई, तो ये वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमारे चैनल से बने रहना है। थैंक यू सो मच।